Hi, everyone. Welcome back to Just Conversations with Faheem B. In this podcast, I have with me somebody who likes to introduce himself as a Kalakar. I mean, I had a lot of titles for him, but he said, no, I'm just a Kalakar. I have with me Mr. Mukul Sharma. Hi, brother. Thanks for being here. I'm Kashmir. Thank you so much for inviting me here. Pleasure. Bye. Uh, obviously, you were the one, you're not a podcaster, hai na, but. <laughs> people have a lot of misconception that you really are a podcaster क्योंकि <laughs> आपकी वजह से ये scene बहुत famous हो गया you have to agree <laughs> you have to agree बोल रहे हो तो सुन के अच्छा लग रहा है ले लेता हूँ ये वाली तारीफ but you know that you you know that तो uh, there is you have a lot of fan following right but there is not a lot जो आपके बारे में है। out है विच इज आउट है कि मुझे लगता है कि जो इंसान जो है वो तजुर्बों से है हर इंसान तो मुझे लगता है जो चौबीस साल की जिंदगी जितनी भी गई है वो तजुर्बे से गई है एक मेरा गाना आने वाला है जिसमें मैंने बात बोली है और बहुत दिल से बोली है कि उम्र से कम हूं लेकिन तजुर्बों का खेल है मोहब्बत लगती जैसे कैदियों को जेल है एम डाइंग ऑन द लोनली streets बट nobody हेल्प और क्यों करेगा कोई यहाँ सबके अपने मसले हैं जी तो चौबीस साल का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा और बहुत खूबसूरत लम्हे देखे बहुत बदसूरत भी देखे जो कि बहुत ज़रूरी थे तो ऐसी कुछ जिंदगी गई मेरी और अभी बहुत एंजॉय कर रहा हूँ लाइफ अभी अच्छा लग रहा है सब वो वॉज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ योर लाइफ जो ऑब्वियसली खूबसूरत टाइम तो अभी है बट जो पीछे मुझे कुछ चीज़ें पता है आई डोंट नो इफ यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट इन द पॉडकास्ट इन द लॉन्गर टर्म ऑफ इट बट मुझे पता है कि क्या क्या बीती है है ना यू हैीन अ लॉट यू हैव सीन हाईज इज़ वेल बट यू हव सी स्टीप लोवज इज़ वेल है ना तो मुझे थोड़ा बताइए गो डीप इन इट वो वॉज मुकुल शर्मा लाइक इन स्कूल फ्रॉम स्कूल टू द स्टेज वो <laughs> स्कूल में मैं बहुत बहुत ही ज़्यादा शैतान बच्चा था और <clears throat> मुझे लगता है कि कोई और पेरेंट्स होते तो मेरे से बच्चा नहीं झेल पाते बट मेरे पेरेंट्स ने मुझे झेला और बचपन से इन सब चीज़ों का शौक़ था म्यूज़िक परफॉर्म करने का बट ये सब मेरे डैड से मुझ में आया मतलब ही वॉन्ट्स टू बी इन इन दिस फील्ड वो लिखते भी थे वो गाते भी थे और वो पोइट्री भी करते थे तो कुछ ऐसा हुआ था कि वन माई फॉदर वॉज ट्वेल्व ईयर्स ओल्ड तो एक्चुअली वॉज अलॉट लाइक मी उन्हें पढ़ना पढ़ना पसंद नहीं था और फैमिली प्रेशर में ऑब्वियसली पढ़ना पड़ता तो वो ये सोच के अपना घर छोड़ कर चले गए थे इतने क्रेजी थे वो दिमाग से तो सोचो मैं कैसा हूँ मतलब ये सब वहीं से आया है तो उसके बाद तो, तो, मेरे मम्मा पापा की लव मैरिज है तो और इंटरकास्ट है wow. <laughs> तो उसके बाद बिजनेस ऑल एवरीथिंग तो मुझे लगता है कि वो जो उनके अंदर का एक कलाकार था ना, वो कहीं खो गया था और जब उन्होंने मुझे कुछ चीज़ें करते देखा जब मैं छोटा था स्कूल में था या वो फंक्शंस पर आते थे स्कूल में तो मुझे लगता है कि वो देखते थे कि इसकी झलक है कहीं ना कहीं जो वो करना चाहते थे उस चीज की झलक मेरे अंदर देखते थे तब मुझे ये ये सब सब नहीं पता था था मैं खुद ही कर रहा चीजें तो अपना सपना पूरा होते हुए देख रहे थे और नाउ इज नो मोर बट मुझे लगता है कि उनका सपना जिंदा है मैं उसको जिंदा रखना चाहूंगा लाइफ टाइम ये इस बारे में थोड़ी बात करते हैं यू सेट कि वो बारह साल की उम्र में कर छोड़ के गए थे इट मस्ट बिन वेरी हार्ड ऑन हेम राइट इवेंचुअली जब बड़े हो गए डिड ही टेल यू द बैक स्टोरी कि हाउ हार्ड इट वॉज फॉर हिम नेवर ही डेंट टेल यू मुझे लगता है कि मर्द इसलिए इतना ज़्यादा खूबसूरत है कि वो मुझे घुसबम सारे बोलते हैं है कि जिंदगी के दुनिया के सारे सितम कर दो आप मर्द के ऊपर और वो इतने प्यार से इतने तरीके से उसको अपने अंदर ले जाएगा ना कि आपको पता भी नहीं चलेगा मतलब आप मेरे सामने खड़े हो और मेरी पीठ में कितने भी खंजर लगे हुए हों आप जब मुझसे बात करोगे तो मैं कहूँगा आप पूछोगे क्या हाल है मर्द का ये हो कहेगा ठीक है यार सब बयान नहीं करना चाहता मर्द और 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 औरत में बहुत बड़ा है फ़र्क है कि औरत बयाँ कर देती है मर्द बयाँ नहीं करता यह है रियलिटी है ना आप आप किसी ये यहाँ पर तो सारे ही हैं सब इस बात को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि हम लोग ना ये जो मेल्स हैं हम ना एक्शंस में दिखाते हैं हम हमारे लिए बोलना थोड़ा सा मुश्किल है हमें लगता है कि थोड़ा सा क्लीसी हो जाएगा थोड़ा वैसा हो जाएगा बट हम कर देते हैं आप मेरे दोस्त हो जी अब रात को मुझे तीन बजे फोन करो और आप मुझे बोलो कि भाई आ जा मैं पूछूंगा भी नहीं क्यों आना यार मैं आ जाऊंगा तो ये ये कौन सा बॉन्ड है क्या मैंने आपको कभी कोई प्रॉमिस करा नो no. नहीं मेरे किसी दोस्त ने मुझसे तो ये ये नहीं कल ही दोस्ती क्या होगी यार कल मैंने कहा था आपको याद है आपको हमारा एक कॉमन फ्रेंड है उसकी बात कर रहे थे हम कैसे कभी अचानक से मिडनाइट वो बता देंगे कि भाई आ जाओ और आप कितना दूर और फिर ठीक है सवाल भी नहीं पूछता है कि क्यों कोई वादा नहीं है कोई कस कसम नहीं है और कोई ऐसा रिश्ता नहीं है कि वो करा जाए या वो करके कुछ मिले बट पता नहीं हम लड़के ऐसे ही हैं यार मतलब पागल हैं कभी भी कुछ भी कर देते हैं और सही है पागल होना बहुत जरूरी है जिंदगी में ये पागलपन जो है आई थिंक इट इज लॉट इंस्पायर्ड योर फादर एज वेल है ना <laughs> गलत वर्ड हो गया सॉरी बाबा बट हाँ पागलपन इन देंस दैट वो पैशन वो डरिंग ये शायद आपके फादर साहब की वजह से ही आई है फ़ही भाई जब मैंने <clears throat> जब मैंने अपना कॉलेज ख़त्म करा था तो मैं जॉब रहा था अमेजोन में और अच्छी खासी सैलरी थी बट आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद द जॉब तो मैंने अपनी मम्मा को बोला कि आप मुझे एक साल दे दो, मैं कुछ ना कुछ तो कर लूँगा बट मैं जॉब नहीं करना चाहता तो मेरी मम्मा ने मुझे बहुत समझाया उन्होंने लास्ट में एक बात बोली मुझे जो मुझे बहुत अच्छी लगती है और वो हमेशा मुझे यही बोलती हैं जब मैं कोई बात नहीं मानता कि तू अपने पापा का बेटा है जब वो मेरी नहीं सुनते तो तू मेरी कहाँ से सुनेगा <laughs> तो इट्स लाइक किसी नोज कि नोस ये नहीं सुनेगा इसको जो करना है वो करेगा और मैं करता हूँ कोई मुझे आ, आप मुझे कुछ भी बोल दो कि ये नहीं करना वो नहीं करना अगर मुझे पर्सनली लगता है ना कि ये सही है तो मैं कर दूंगा ये पक्का है From the jeans, brother. From the jeans. <laughs> a brief thanks to our sponsor, Smart Trip. Smart Trip is a travel based company in Kashmir providing seamless and attractive packages all across India. They offer exclusive travel packages at extremely affordable rates for both solo and group travelers throughout India. To all you travelers out there, do check them out. Details on the screen. Use this coupon code to receive a 25% discount on your first trip with Smart trip. Code is on the screen. Okay, uh, to get a uh, जब मेरे दियाई फादर की तो, मुझे, मेरी फील ही नहीं होने दिया तो मेरी मम्मा ही मेरे पापा हैं मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी किसी चीज की मैं ये नहीं बोलूंगा मैंने अकेले डील करा है मेरी ममा ने मुझे कभी फील ही नहीं होने दिया कि मेरे फादर नहीं है और इतनी स्ट्रॉन्ग वुमेन मैं चाहता हूँ कि अगर मैं कभी किसी से शादी करूँ तो मेरी मम्मा जैसी हो स्पेशल भाई मदर इज स्पेशल मैं याद है आपको मैंने एक शायरी कही थी आपको कल जब हम गाड़ी में थे मैंने आपको कहा था कि तुम क्या सिखाओगे मुझे मोहब्बत करने का तरीका मैंने मेरी माँ के एक हाथ से थप्पड़ दूसरे हाथ से खाना खाया इट्स सो डीप यार बट अगर हम मैं हर एक पॉड पे जब भी मदर्स का टॉपिक उठता है ना मैं उसको बहुत ज्यादा क्योंकि आप कह रहे हो कितने मुझे है एक ही इतना ज्यादा था कि उसके बाद हिम्मत करना थोड़ा मुश्किल है अब हिम्मत जुटा रहा हूँ धीरे धीरे और आए टू गॉड मैंने आपको ये बोला भी था और मैं फिर बोलूँगा कि मेरी लकीरों में कुछ प्रॉब्लम है मेरी लकीरें और चीज़ों में बहुत अच्छी हैं मोहब्बत में मेरी लकीरें इतनी ख़राब हैं मैं जिस इंसान से मोहब्बत करता हूँ ना या जिसको मैं पसंद आने लगता हूँ मुझे डर लगता है क्योंकि मुझे पता है कि अब ये मेरी ज़िंदगी से जाएगा और ऐसा होता है फैक्ट है तो मैं अकेले रहने की कोशिश ज्यादा करता हूँ अब कभी ऑब्जर्व क्यों ऐसा डर क्यों है मैं ओवर लव करता हूँ मेरे से कम होता ही नहीं है मुझे लगता है कि लोग कहते हैं कि हद में करना चाहिए पर मुझे लगता है कि प्यार की तो कोई हद ही नहीं है ना यार हद में करा फिर वो कैसा प्यार है वो भी जीन से आया इंटरकास्ट मैरिज नहीं ओवर लव इवन इफ द वर्ल्ड स्टैंड्स बिटवीन डजंट मैटर इवन जो ये वाली बात चल रही है जिस टॉपिक पर तो जब लव मैरिज हुई तो बहुत सारे लोग इसके अगेंस्ट थे और बहुत सारे लोगों ने बोला कि मेरे पापा अपनी फैमिली के पास वापस गए जब वो अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर लिया था उन्होंने विदाउट एवरीबडी किसी के भी सपोर्ट के बिना तो पापा वापस गए तो उन्होंने बोला कि शादी नहीं करी थी प्लान करे थे पापा उन्होंने फैमिली में बताया तो फैमिली ने कहा हम इंटरकास्ट नहीं करने देंगे पापा ने बोला ठीक है मैं वैसे भी तुम्हारे बिना ही अभी तक था मैं चला जाता हूँ तो उन्होंने सबको मनाया अच्छे से और इवन मेरे फादर इतने अच्छे आदमी थे उन्होंने मेरी मम्मी की सारी सिस्टर्स की शादी करवाई है सो so, हाँ उन्होंने पूरी फैमिली की टेक केयर करी ब्लेस्ड मैन हाँ ब्लेस्ड अच्छे लोग बहुत जल्दी इस दुनिया से जाते हैं क्योंकि ये दुनिया बहुत जालिम है मैं इसमें बिलीव करता हूँ इस वाली बात में अच्छे लोग जल्दी चले जाते हैं Let's get back on love. <laughs> बहुत जरूरी है Tell me. <coughs> मैं ना मुझे बहुत सारे लोगों से ये सुनने को मिलता है जैसे जैसा मैं कंटेंट डालता हूँ कि लोग कहते हैं ठीक है इट्स इजी टू मूव ऑन आप हो जाओ आप ये सब क्या करते हो तो मुझे लगता है कि मूव <coughs> ऑन करना बहुत इजी है आई नो बट उन लोगों के लिए जो ऑल इन नहीं अपना देते True. जिसने मोहब्बत को ही अपना धर्म अपना मजहब सब कुछ मान लिया उसके लिए कितना मुश्किल होगा ना यार आप मुझसे कि मैं अपने भगवान को भुला दूँ मुश्किल है नहीं मिला पाऊंगा यार बहुत मुश्किल है वो है ना एक शेर जॉन साहब का कि अगर अपने दिल से निकालना है मुझको तो खुरच के निकालना नाखून से जरा सा भी बच गया तो बहुत याद आऊंगा बहुत याद आऊंगा तो वो है <laughs> एक शेर और है प्लीज जो मैंने लिखा था मैं जॉन साहब को सुनता हूँ तो मैं दर्द पे लिख पाता हूँ <laughs> जॉन साहब का करम है मेरे ऊपर <laughs> कि तुम कहते हो दिल ही तो टूटा है क्या हुआ hmm. तुम कहते हो दिल ही तो टूटा है क्या हुआ मैं कहता हूं एक शख्स का भरोसा तबाह हुआ ओ oh. और बिखरा हुआ भरोसा है मैं गुरूर हूं उसका hmm. मेहमान हूं टूटकर चीजें ठीक हो जाती हैं लेकिन मैं मैं तो इंसान हूं <laughs> सच्ची मोहब्बत को बुला सकता है कभी इंसान जब लोग छूट जाते हैं जिंदगी से और अगला बिखर जाता है उसे, फिर करे क्या बुला भी नहीं पाते खुद को समझा भी नहीं पाते फिर करे क्या काम करे काम करे खुद पे काम करे मुझे लगता है कि इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते पर हाँ उस आखिरी हद तक कोशिश जरूर करना उसको पाने की जहां तक तुम जोर लगा सकते हो मैं तो आखिरी हद तक मैंने करा कोशिश मतलब मुझे लगता है कि दूसरों को सलाह देना बहुत आसान है मैं दूसरों को तो सलाह दे सकता हूँ पर मैं खुद वो चीजें नहीं कर पाता जो मैं दूसरों को सलाह देता हूँ क्योंकि मैं दूसरों को अच्छी सलाह दूंगा ना बट मुझे पता है जो मैं कर रहा हूं वो गलत है तो मैंने उस पर पे, उस पर पे शेर लिखा था कि कितने घुटने घिसे हैं मोहब्बत में याद रखना मर्द मे ईगो से बड़ी इस दुनिया में कोई चीज है नहीं है चट्टान से भी बड़ी है मेल ईगो तो अगर इंसान एक मर्द अपनी ईगो किसी के लिए छोड़ रहा है तो मतलब फिर उससे प्यारा उसके लिए कोई नहीं है और घुटने तब घिसते हैं जब आदमी झुकता है किसी के लिए और आदमी किसके लिए झुकता है सिर्फ मोहब्बत के लिए तो कितने घुटने घिसे हैं मोहब्बत में याद रखना खुद की नजरों में कितनी बार गिरे याद रखना याद रखना के प्यार करने का सिला था वो किसी पर मर मिटने की सजा मिली थी वो आएगा एक दिन रास्ता बदल कर तुमसे मिलने के लिए उसको कहना ये रास्ता गलत है आगे से याद रखना <laughs> एक एक चीज आपने अभी कहा कि लेकिन पूरी जोर लगाना मैं हद तक चला जाता हूँ ये जो हद तक जाते हैं ना वही तो फंसते हैं। जब आप हद पे गए और फिर वहां पे भी आपको वो नहीं मिला जो आप चाहते हो तो फिर वहां से वापस आना भी तो मुश्किल है आपको ना रात को कुछ खाने का मन हुआ आप अपने घर से बाहर निकलो एक दुकान देखो घर चले जाओ और दूसरी चीज आप कर सकते हो आप शहर की सारी दुकानें देखो शायद सारी बंद होंगी शायद सारी खुली होंगी बट जब आप घर जाके सो ना

ये चीज़ मैं बुरा फील करता हूँ बहुत बड़ी बात है कि मैंने उसको खुद को शीशे में देखना बहुत, बहुत जरूरी है तो मुझे लगता है कि हाँ ठीक है किसी की याद आती है किसी से आप मोहब्बत करते हो मगर इसलिए खुश हूं कि मैं अपना पार्ट बहुत अच्छे से करा और मुझे यही करना है जिंदगी में आप मुझसे दोस्ती करो आपको जो मुझसे चाहिए ले जाओ आप मुझसे कुछ नहीं ले जा सकते नहीं ले जा सकते आप आप मुझे ले जा सकते हो क्या आप मुझसे कुछ ले जा सकते हो बट जो मैं हूँ आप उसको नहीं ले जा सकते तो मुझे लगता है वो इंसान होना ज़रूरी है और आज कोई मेरे साथ कुछ गलत करे कल करे मैं उससे ना खुद को नहीं बदलने दूंगा मैं कभी नहीं बोलता मैं बदल जाऊंगा उसकी वजह से मैं क्यों बदलूँ यार मैं जैसा हूं मैं वैसे ही रहूँगा तो आप हजार मरतबा मेरे साथ धोखा करो हजार मरतबा झूठ बोलो मैं वही रहूँगा जो मैं हूँ मैं अपने आप को नहीं बदलूंगा ऐसी पर्सनलिटी बनाने के लिए क्या करना पड़ता है बहुत दुख देखने पड़ते हैं बहुत धोखे खाने पड़ते हैं या खुद को उस स्टेज पे ले जाना पड़ता है जहां लोगों से थोड़ा दूर ही रहना है। उससे बड़ी कोई चीज नहीं है हमारे माँ बाप ने कभी किसी के साथ धोखा नहीं करा ना हमें सिखाया तो मुझे लगता है जो बच्चा घर पे देखता है वही बाहर करता है तो घर पे सब देखा नहीं तो उसने बाहर भी नहीं करा घर गर से ही तो सीखते है ना बच्चा कैसे ही सीखता है वेरी इंपॉर्टेंट How was your your childhood like? Other than you being a naughty child, <laughs> some fond memories with father. छोटा था क्योंकि वो मुझे ही डांटते थे मुझे ही मारते थे बट जैसे मैं धीरे धीरे बड़ा हुआ तो मुझे चीज रियलाइज हुई कि वो उनका ना प्यार दिखाने का तरीका था सबके अलग तरीके होते हैं तो जब मैं जैसे मैं धीरे धीरे बड़ा हुआ मैंने बहुत जल्दी उन्हें खो दिया मतलब मैं शायद थोड़ा सा टाइम और स्पेंड कर सकता था मुझे बस उन्हें बताना था कि मैंने वो कर दिया है मैं जो वो करना चाहते थे बस मैं वो नहीं बता पाया तो वो थोड़ा सा बुरा लगता है बाकी तो जिंदगी है कोई मसला नहीं है नहीं। नहीं। आपको बोलता रहता हूँ ये योर मदर इज प्राउड ऑफ यू विच आई नो इज ओनली बिकॉज कि शी सीज हर हजब इन फ्रंट ऑफ एन पीपल शाउट मुकुल शर्मा दैट इज दैट टेस्ट मनी फॉर योर फादर थोड़ी जिंदगी के बात करता है बिना से जिंदगी की बात करते हैं टेलस जिंदगी ने क्या क्या सिखाया सबसे बड़ा लेसन ये अच्छे कर्म करना हमेशा काम आएंगे और मुझे लगता है जो भी हम गुड डीड्स करते हैं वो गुड चैरिटी होती है आई नो दैट दैट्स ऑन ऑन योर योर बैग बैग राइट सो तो इससे बड़ी चैरिटी कोई नहीं है किसी की मदद करना किसी के काम आना देखो ना अगर आप किसी के काम आए तो आप अपनी वैल्यू समझो कि आप क्या हो है ना तो कितनी अच्छी बात है दूसरा ये कि गलत लोगों पे कभी वक्त ज़्यादा नहीं करना अगर आपको समझ में आता है इंसान गलत है उसके साथ कुछ बुरा भी मत करो बट कोशिश करो कि फिर धीरे धीरे उसकी ज़िंदगी से निकल जाओ उसे एहसास भी मत होने दो कि तुम जा रहे हो कैसे निकले अपने रास्ते अलग कर लो सबके कभी अटैचमेंट हो जाती है देखो ये मोहब्बत अगर आपको मोहब्बत मतलब दोस्ती वाली मोहब्बत किसी भी रिलेशनशिप में मोहब्बत है लेकिन आपको पता है कि ये शख्स मेरे लिए सही नहीं है तो थोड़ा सा स्मार्ट हो गए अलग होने में ज्यादा बेटर है क्योंकि देखो जितना लंबे वक्त आप उस इंसान के साथ रहोगे वो आपके लिए खराब है उसके लिए नहीं तो ये बहुत ज़रूरी है बाकी लाइफ लेसन बाकी लाइफ लेसनस ये हैं कि खाओ पियो मस्त रहो यही जिंदगी है मैं आपको सच बताऊं तो पहले मैं जिंदगी को बहुत कोसता था कि यार कितनी ख़राब जिंदगी है मोहब्बत नहीं मिली या फिर अलग अलग रीजन्स ढूंढते हैं हम बट ऊपर वाले के प्लान्स हमसे इतने बड़े होते हैं जो भी लाइफ में कुछ भी फेस कर रहा है मैं उसको ये कहना चाहूँगा कि अपने प्लान्स पे मत भरोसा करना हम बहुत शिटी प्लान्स बनाते हैं क्योंकि वो जो ऊपर बैठा है ना वो हमसे दस साल बाद भी देख लेता है कि हमारे साथ क्या होने वाला है तो वो पहले हमें वहीं पर रोक देता है उसकी बात समझना जब सही वक्त आएगा तो तुम कहोगे कि वाह यार थैंक यू सो मच गॉड थैंक यू सो मच आपके भी प्लान डिफरेंट होने वाले हैं इस साल राइट यू गैटिंग इन टू द म्यूजिक सीन थोड़ी सी सोशल मीडिया क्रिएटर की लाइफ बताओ एंड एट द सेम टाइम आप अपनी लाइन भी थोड़ा अब इसको एक्सपैंड कर रहे हो हुँँ. तो कितना डिफिकल्ट है लिखते भी हो साथ में राइटर्स ब्लॉग आता है क्या क्या होता है क्रिएटर्स की लाइफ सबकी मुझे लगता है क्रिएटर्स की जर्नी अलग है बट मैंने पिछले साल ये सोचा था कि पिछला पूरा साल मैंने पोइट्री को दिया था कि मैं सिर्फ पोइट्री शोज़ करूँगा और हंड्रेड प्लस कॉलेज शोज करे पिछले साल बारह महीने में इस साल का मेरा गोल है कि म्यूज़िक सीन को थोड़ा सा चेंज करना है और जो कंटेंट मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ जो म्यूजिक में लिख चुका हूँ वो मैंने रिलीज़ करने हैं तो उस साल बहुत गाने आने वाले हैं कुछ शूट हो चुके हैं कुछ हो रहे हैं प्लस मैंने एक अपना सेट बनाया है जिसका नाम मैंने दिया मोहब्बत मुकुल मोहब्बत हाँ। मुकुल तो उसमें मैं शायरी और गाने परफॉर्म करता हूँ सूफी तो ये साल मेरे ये दो मेन गोल हैं एक तो अपने गाने रिलीज़ करना निकालना और ये शो जो मोहब्बत मुकुल है इसको अलग दर्जे पर लेकर जाना मेजरली uh, म्यूज़िक को सूफ़ी में ध्यान जो मेरा म्यूज़िक है उसमें रैप भी है उसमें सूफ़ी सॉन्ग्स भी आएंगे उसमें मेलोडी भी है वो सब कुछ मिक्स है बट जो मैं शो कर रहा हूँ मोहब्बत मुकुल उसमें मैं सिर्फ सूफ़ी गाने कर रहा हूँ तो जो हमारे बड़े उस्ताद वगैरह रहे हैं उनके गाने होंगे नफाक साहब के और राहत साहब जो हैं तो अभी ये प्लान है और आपने बात करी थी राइटर्स ब्लॉक की तो मैं सच बताऊं तो आता है कुछ टाइम के लिए बट जब भी किस, किसी भी क्रिएटर की लाइफ में राइटर्स ब्लॉक है ना मुझे लगता है कि खुद को वक्त देना बहुत जरूरी है अगर आप थोड़ा सा भी वक्त खुद को ज्यादा दे दोगे इट विल बी ग्रेट लेकिन अभी आप आ... काफी आप शोज पे भी ध्यान दे, दे चुके हो ऑन अ हायर लेवल नाउ ये आवाज तभी बैठी हुई है <laughs> हाँ। इस आवाज की बात करते हैं ये <laughs> पॉडकास्ट कब होने वाला था ये पॉडकास्ट होने वाला था कल रात को मेरे लैंड होती ही exactly. एग्जैक्टली फिर क्या हुआ <laughs> <laughs> फिर हुआ ये कि मेरे गले से आवाज ही नहीं निकली ट्रू एंड यू आर वेयर वर यू चंडीगढ़ आई वाज डूइंग अ कॉन्सर्ट विद बिस्मिल and I, we saw the stories and you were shouting there और मैंने पहले इनको बोला था कि ये बंदा नहीं बात करने वाला है take him to the hotel he is gonna sleep let's figure it out कि क्या कल होगा <laughs> and we were scared कि पता नहीं अब होगा भी कि नहीं है ना but very cool talk about monetization as an artist as an कलाकार which you like to call yourself as a कलाकार where do you see yourself monetizing much more in this क्योंकि अब this is your life right <laughs> you're not gonna stay away from it so where do you see yourself monetizing मुझे लगता है कि ये बहुत छोटे प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि इंस्टाग्राम यूट्यूब बिग प्लेटफॉर्म बट फॉर बिग क्रिएटर्स तो मुझे लगता है कि लाइव uh, शोज जो हैं वो बहुत बड़ा सीन चेंजर हैं अपने गाने स्पॉडीफाई जो यूट्यूब पर आएंगे स्पॉडीफाई पर आएंगे ये बहुत बड़ा गेम चेंजर है मैंने इस फील्ड में चार पाँच साल बहुत एक्सपीरियंस ऑलरेडी ले लिया है अब ये वो वाला साल है जब मुझे उसको सिर्फ एक डायरेक्शन देनी है और वो मैं कर दूंगा जो मैं बोलता हूँ मैं करता जरूर हूँ तो ये आज आपके पॉडकास्ट पे बोल रहा हूँ एक साल बाद सीन बिल्कुल अलग होगा वापस आएंगे एक साल बाद वापस से दिखा देंगे कि क्या क्या था आपने ओके कूल योर वर्ड अब आपके मेन डोमेन पे आते हैं बिफोर वी एंड दिस विच इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज योर शायरी योर लेखक <laughs> जो भी है ना आप शेयर कर दो कुछ कुछ जो आपके दिल के काफी करीब है दिल के करीब तो खैर सब कुछ ही है <laughs> लेकिन हाँ एक शेर है कि जो कहता है कि भूल गया है हमको वो शख्स आज भी हमको उंगलियों पर रटा हुआ है और क्या तकल्लुफ करें ये कहने में हम हमारे हिस्से का प्यार और बटा हुआ okay. <laughs> लोग कहते हैं ना कि दिल है हाँ. बट मुझे लगता है कि दिल को भी दिल बनाना पड़ता है दिल को भी दिल बनाना पड़ता है दिल क्या है आपके हिसाब से दिल एहसासों का घर मुझे लगता है कि दिल दिल ना पागल है हाँ सच में हाँ वो वो आपने गाना सुना है दिल तो पागल है दिल दीवाना है वो बहुत अच्छे लिरिक्स हैं भाई सच है आपके सामने एक सही रास्ता होगा और उसके साइड में गलत रास्ता होगा आपका दिमाग कहेगा लेफ्ट जा बट आपका दिल क्या कहेगा राइट right. तो दिल क्या है पागल पागल है <laughs> <laughs> पागल। ना वो तो उस शेर का कंटिन्यूशन है कि जो कहता है कि भूल गया है हमको वो शख्स आज भी हमको उंगलियों पर रटा हुआ है और क्या तकल्लुफ ये कहने में हम हमारे हिस्से का प्यार और में बटा हुआ, हुआ है और तुमको देखकर मुझे ये मालूम हुआ कि दिल को भी दिल बनाने में हुनर लगता है और कलाकार तो वो हैं जो दिलों से खेलते हैं ये बात माननी पड़ेगी सितमगर खूबसूरत लगता है एक मेरे पास शार है कि फिर नहीं बसते वो दिल जो एक बार उजड़ जाते हैं। कितनी भी सजा लो, पर सिंदा कोई नहीं होता। <laughs> क्या बात है? एक मर्द के लिए अच्छी औरत की पहचान क्या है वैसे तो लोग ये बोलते हैं कि खूबसूरत हो पर मुझे लगता है कि वफा वो खूबसूरती है ना जो कोई कैसी भी औरत हो अगर उसके अंदर वफा है तो उससे खूबसूरत दुनिया में कोई नहीं है कोई। और अगर किसी औरत में वफा नहीं है तो बाढ़ की भट्टी में जाए उसकी खूबसूरती यार। जो शायर होते हैं ना आपके जैसे लेखक वो चंद लफ्जों में सब कुछ बयान कर देते हैं तो कुछ और हो जाए कि उसने बिछड़ते हुए सवाल पूछा कि भूल तो नहीं जाओगे जवाब क्या देते जब सवाल ही पैदा नहीं होता <laughs> इस पे मुझे याद आया कि इस दुनिया में हर तालु गुलामी है आप जितने ज्यादा तनहा हो अकेले हो उतने आजाद हो क्या तन्हाई पे कुछ हो जाए आप तन्हाई <सथ> के बारे में क्या सोचते हो लोग कहते हैं कि लोग बदल जाते हैं मुझे ये लगता है कि लोग साथ रहते हैं पहले उसके बाद याद हो जाते हैं लोग साथ रहते हैं पहले उसके बाद याद हो जाते हैं मुगल हम अब समझे कि लोग कैसे बर्बाद हो जाते हैं हालात नसीब मजबूरियां दुनिया में कितने बहाने हैं लोग बदलते नहीं हैं बस बेनकाब हो जाते हैं बिल्कुल सही बात तो वो जो एक मुखौटा है ना जो वो आपके लिए लगा के रखते हैं एक वक्त आता है कि जब वो हट जाता है तो लोग कभी बदलते नहीं हैं लोग वही होते हैं बस आपको पता लेट से चलता है बस चेहरे बहुत है चेहरे हर चेहरे के पीछे एक चेहरा आपकी शायरिया मुकुल भाई ज्यादा चांद सितारों पे क्यों होती है शायरी सुना देता तो। हूँ सुना ये किसको पसंद नहीं कि जिंदगी खुशहाल रहे मगर किसी के जाने के बाद जिंदगी में सिर्फ मलाल रहे लेकिन मंजूर करते हैं किस्मत में जो भी लिखा हो इंसान तारों की तरफ तब देखता है जब तो उसने जमीन पर कुछ खो दिया इसीलिए लिखता हूँ चांद तारों पे कुछ और सुना एक चांद ये इससे अच्छा कौन समझा पाएगा दुनिया में मोहब्बत को एक चांद है लाखों करोड़ों तारे हैं सब तारों की ख्वाहिश एक चांद कैसे पूरी होगी तो किसी को तो टूटना पड़ेगा किसी और की ख्वाहिश पूरी करने के लिए तो हम टूट जाते हैं चांद सितारों को छोड़ के आप काफी जंजी टाइप पोइट्रीज भी लिखते हैं जो के लोगों को हिट कर जाती है तो लेट्स टॉक अबाउट पीपल हुआ जो बहुत लड़कियों के साथ रहते हैं उनको लगता है कि वो स्टार्ट है उनके लिए कुछ लिखा है इस रंग बदलती दुनिया में सचमुच में कोई किसी का है हर किसी की जबान पर बस यही सवाल रहता है हर किसी को अपना बनाना हुनर ही सही लेकिन किसी एक का बन के रहना वो कमाल होता है वो कमाल होता है तो हम तो कमाल लोग हैं <laughs> इस पर थोड़ी डिफरेंट ओपिनियन रखता हूँ और वो मैं एक इशार से बताऊँगा मेरी ओपिनियन इस पर मोहब्बत रब से हो तो सुकून देती है न फिक्र जुदाई का न खतरा बेवफाई का मुझे लगता है भाई कि मेहनत पूरी दुनिया कर रही है और सब करते हैं लेकिन देने वाला ऊपर वाला है वो आपकी नीयत देख के देता है और उससे बड़ी कोई ताकत नहीं आप मानते हो बात? बिल्कुल आप, मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाता हूँ काम करता था तो तीन साल बाद वो उसको मिला और उसकी हालात ठीक हो गई थी तो जो जिसके यहाँ काम करता था वो थोड़ा परेशान हो गया उसने उसको पूछा कि तू यहाँ कैसे पहुंचा तो उसने बोला कि मैं फकीर था मेरा देने वाला थोड़ी क्या खूबसूरत बात है जैसे आपने कहा पहले कि हमारे जो प्लान्स होते हैं वो सही नहीं होते हैं ऊपर वाला देख रहा है वो दस साल बीस साल आगे का देखता है तो उस पर थोड़ा यकीन करो ये थोड़ा नहीं पूरा यकीन पूरा करो। यकीन करो <laughs> शुक्रिया मुकुल भाई आने के लिए थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी है हैड अ ग्रेट कॉन्वर्सेशन एंड यू नो जस्ट द होल थिंग द रीजन वाई वी डेट जस्ट कॉन्वर्सेशन विद फहीम बी इज बिकॉज के हम शायरों को होस्ट करें हम स्टोरी टेलर्स को होस् करें एंड वी ट्राई टू डिग डीप इन टू हार्थ्स एंड दैस मुकुल मुकुलेट टूडे सो थैंक यू फॉर कमिंग एंड अगेन थैंक यू ऑल फॉर जॉइनिंग आर पॉडकास्ट दिस होल जर्नी हैज़ बिन अमेजिंग सरेल ऑल बिकॉज ऑफ यू कीप सपोर्टिंग एंड जस्ट कीप शेयरिंग आर स्टफ थैंक यू सो मच थैंक यू